सीकर के दाता रामगढ़ में 32वीं संघ की ओर से दिया जा रहा अनशन प्रशासन के साथ समझौते के बाद समाप्त हो गया है। संघ और प्रशासन के बीच हुई वार्ता में प्रशासन ने मंदिर ट्रस्ट पर लगाए गए भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोपों की 15 दिन में जांच कराने का आश्वासन दिया है। संघ ने अपनी मांगों को लेकर 12 जून को जांच की मांग और जीण माता मंदिर को देवस्थान विभाग के सुपुर्द करने की मांग की थी। 5 दिन से जारी धरने के बाद शनिवार को अनशन पर बैठे व्यक्तियों की तबीयत खराब होने के बाद प्रशासन हरकत में आया और जांच का आश्वासन दिया। के बाहर जो 32 संघ के पदाधिकारियों सदस्यों द्वारा जो धरना प्रदर्शन और आमरण अनशन किया जा रहा था, उसके लिए आज मैं सीओ सिटी साहब, सरपंच रलावता, रेंजर वन विभाग और इनके पदाधिकारी, इनके मते वार्ता हुई है और इन 5 बिंदुओं पर सहमति बनी और अनशन कार्यों का अनशन करवा दिया और उम्मीद करते हैं इनमें आपस में अच्छा समन्वय से मंदिर विकास के लिए